नमस्कार, मैं चेतन सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में। और अब कुछ दिनों के बीच में हम कभी कभी इस यूट्यूब चैनल में कुछ मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा जो कि एर्थ क्लास, नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास यानी कि आठवीं, नवीं और दसवीं क्लास से जुड़े हुई जो साइंस की बेसिक नॉलेज है उसके बारे में वो वीडियोज़ होंगे। तो जो बेसिक नॉलेज है साइंस की वो बहुत ही ज़रूरी होती है, हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में भी ज़रूरी है साइंस से जुड़ी हुई जानकारी हमें बहुत सारी। और इसके अलावा जो है आठवीं या नवीं या दसवीं में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जो दसवीं क्लास की साइंस से, इसको आठवीं वाले भी ले लें चाहे नवीं वाले भी ले लें चाहे दसवीं वाले भी ले लें, तीनों के लिए ये बिल्कुल सेम ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे विज्ञान के अंदर साइंस में। और केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए तत्वों के बारे में कि कुल मिलाकर कितने तत्व अब तक जो है वो प्राप्त हो चुके हैं, कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो आज तक अभी तक कुल मिलाकर 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 94 तत्व ऐसे हैं जो कि मेटल्स यानी कि धातु के रूप में हैं, बाकी के लगभग 17 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। 94 धातु हैं, ठीक है, और 17 अधातु हैं, जबकि बचे हुए 7 तत्व जो हैं वो उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही जो गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इनमें 118 तत्व हैं इनके प्रतीकों का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आज हम यही सीखेंगे सबसे पहले कि इनका जो प्रतीक है उनका निर्धारण कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रतीक इनके रखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रतीकों का निर्धारण करते समय कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए कोई नियम तो होता नहीं है कि प्रतीक जो है एक निश्चित नियम से ही रखे जाए, लेकिन फिर भी कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं और उसी के अनुसार जो है प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है। तो हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये निर्धारित कैसे किया गया है या प्रतीकों का नामकरण कैसे किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते हैं, ये पहले ही किए हुए हैं। प्रतीकों का निर्धारण जो है किसी भी तत्व के लिए पहले से ही किया जा चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना सा जानना है, इतना सा समझना है कि ये कैसे किया गया है। तो सबसे जो पहली बात है उसका हम ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वो ये वाली है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके जो नाम का शुरुआत का अक्षर होता है उसी से प्रतीक को रख लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं ऐसे, ठीक है, जिनका कि निर्धारण करते समय प्रतीकों का इनके जो नाम के शुरुआत का अक्षर है, जैसे कि हाइड्रोजन का नाम का शुरुआती अक्षर है H, ठीक है, तो H के अनुसार ही इसके प्रतीक का निर्धारण कर लिया जाता है। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के नाम का जो शुरुआती अक्षर है वो है O, ठीक है, तो उससे इसका निर्धारण कर लिया जाता है और ऑक्सीजन का प्रतीक O रख लिया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं नाइट्रोजन का, तो नाम का जो शुरुआत का अक्षर है उसके अनुसार ही जो है प्रतीक का निर्धारण कर लिया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कार्बन, तो कार्बन का जो नाम है उसका शुरुआती अक्षर है सी, तो उसके अनुसार जो है प्रतीक का निर्धारण कर लिया जाता है। और जब भी किसी भी तत्व के प्रतीक लिखे जाते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें सदैव कि वो जो है अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं यानी कि जो बड़े अक्षर होते हैं उन्हीं में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर H है तो हम इसको H इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, छोटा H नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर O है तो हम बड़ा O लिखेंगे, छोटा नहीं लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए N छोटा नहीं लिख सकते हैं, ये सब क्या है गलत हो जाएंगे। तो जब भी प्रतीक लिखना है हमें तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो ये तो पहला, हम दूसरी बात पे ध्यान देते हैं। दूसरी बात किस प्रकार की है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीकों का निर्धारण करते समय हम क्या करते हैं कि उनका जो नाम का शुरुआती अक्षर है वो वाला और उसके बाद में कोई सा भी जो अक्षर आ रहा है उसको हम काम में ले लेते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, लिथियम, ठीक है, कैल्शियम, इसके अलावा क्लोरीन और एक और ले लेते हैं हीलियम, ठीक है। अब इनका निर्धारण कैसे करेंगे, तो इनका निर्धारण करते समय प्रतीकों का, जैसे कि लिथियम का निर्धारण कर रहे हैं तो लिथियम का नाम शुरू हो रहा है L से और उसके बाद में आ रहा है जस्ट बाद में I, तो इसका प्रतीक बना लिया जाता है Li, ठीक है। अब देखो सही तरीके से लिखने का तरकीब क्या है कि L बड़ा लिखें और उसके बाद में I छोटा ही लिखना है। कैल्शियम का देखते हैं प्रतीक, तो नाम का शुरुआती अक्षर है सी और उसके बाद में आ रहा है ए, तो कैल्शियम का प्रतीक रख दिया जाता है Ca, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो है नाम का शुरुआती अक्षर तो सी है लेकिन उसके बाद वाले अक्षर को जो एच है उसको काम में नहीं लिया गया है और उसके बाद में जो अगला अक्षर आ रहा है एल उसको काम में लिया गया है और इस प्रकार से क्लोरीन का जो प्रतीक है वो बना दिया गया है Cl, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हीलियम, तो हीलियम का वही नाम का शुरुआती अक्षर एच है
और एच से हम प्रतीक नहीं रख सकते क्योंकि एच प्रतीक है हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से सी भी हम नहीं रख सकते थे क्योंकि सी प्रतीक था कार्बन का। तो कार्बन के अलावा हमने दूसरा प्रतीक रखा है इसका सी के अलावा दूसरा प्रतीक रखा है सी ए। इसी प्रकार से क्लोरीन का भी हमने दूसरा प्रतीक रखा है सी एल। इसी प्रकार से हीलियम का प्रतीक भी हम एच नहीं रख सकते हैं और उसका प्रतीक रखना जो है इसके बाद में एच के बाद में ई आ रहा है तो उसका प्रतीक हमने रख दिया है हीलियम का। हमने नहीं रखा है ये पहले से ही है निर्धारित किए हुए हैं तो इसका जो रखा गया है प्रतीक वो है एच ई। ठीक है तो इस प्रकार से जो है कुछ प्रतीक इस प्रकार से रखे जाते हैं। और अब हम तीसरी जो बात है वो देख लेते हैं कि कुछ जो तत्व हैं उनके प्रतीकों का निर्धारण करते समय हम उनके लैटिन नामों को ध्यान में रखते हैं और लैटिन नाम के अनुसार ही प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा स्कूल में नाम अलग होता है और घर पे नाम अलग होता है तो घर का नाम जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में मान्य नहीं होता है, हमारा जो स्कूल में नाम होता है वही मान्य होता है। तो तत्वों के जिन तत्वों के लैटिन नाम अलग हैं सामान्य नाम के और लैटिन नाम दोनों के अलग अलग हैं, जैसे कि अभी जो तत्व मैंने बताए थे वो तो सामान्य नाम और लैटिन नाम सारे ही एक जैसे थे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके सामान्य नाम और लैटिन नाम दोनों अलग अलग हैं तो उनको लिखा तो सामान्य नाम के अनुसार ही जाता है लेकिन उनके प्रतीकों का निर्धारण जो है वो उनके लैटिन नाम के अनुसार किया जाता है। तो कौन कौन से तत्व हैं हम देख लेते हैं। उदाहरण सबसे पहले तो आपने नाम सुना होगा सोडियम, सबसे सामान्य तत्व है इसकी इसके लिए लैटिन नाम के अनुसार सोडियम। लेकिन सोडियम का जो लैटिन नाम होता है ये तो इसका सामान्य नाम है, लैटिन नाम जो होता है वो होता है इसका नेट्रियम। ठीक है तो इसका जो प्रतीक रखा जाता है वो इसके लैटिन नाम के अनुसार रखा जाता है और लैटिन नाम में जो नाम का जो पहला अक्षर है एन और उसके बाद वाला अक्षर है ए, तो इसका जो प्रतीक रख दिया जाता है सोडियम का वो होता है एन ए। क्यों रखा गया है क्योंकि इसका जो सामान्य नाम है वो तो है सोडियम लेकिन जो प्रतीक रखा गया है वो कौन से नाम के अनुसार है लैटिन नाम के अनुसार है और इसका लैटिन नाम अलग है इसलिए इसका प्रतीक जो है वो एन ए रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं पोटेशियम। ठीक है पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो इसके लैटिन नाम के अनुसार रखा जाता है। देखिए कोई कोई स्पेलिंग गलत हो सकती है इतना इजी इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, कोई हो सकता है गलत हो जाए लेकिन आप ध्यान से इसको समझ लीजिए क्योंकि जो तत्वों के नाम है वो मैं बोल भी रहा हूँ। तो पोटेशियम इसका सामान्य नाम है और पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो कैलियम है और इसी कारण से इसका जो प्रतीक है इसके नाम के शुरुआती अक्षर कैसे रख लिया जाता है। ठीक है इसके बाद में और उदाहरण हम ले लेते हैं जैसे कि आयरन, लोहा जिसको हम बोलते हैं। आयरन तो सामान्य नाम है ठीक है और लैटिन नाम जो होता है इसका वो होता है एफ ई डबल आर यू एम यानी कि फेरम। ठीक है तो लैटिन नाम फेरम के अनुसार ही इसका प्रतीक जो है वो नाम का शुरुआती अक्षर और उसके बाद वाला अक्षर रख लिया जाता है और इसका प्रतीक होता है एफ ई। ठीक है और मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि जब भी हम प्रतीक लिखते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि पहले तो कैपिटल लेटर्स लिखें और उसके बाद में यदि कोई शब्द आ रहा है जैसे कि पोटेशियम में सिर्फ एक ही शब्द आ रहा है तो हमने कैपिटल लेटर के लिख दिया है, लेकिन अगर एफ ई दो शब्द आ रहे हैं तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है और दूसरा वाला लेटर जो है स्मॉल लेटर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे कि एफ ई ये गलत हो जाएगा या छोटा एफ लिख दें और छोटा ही ई लिख दें तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है या हम छोटा एफ लिख दें और बड़ा ई लिख दें ये भी गलत हो जाएगा, सही ये वाला माना जाएगा क्योंकि बड़ा एफ और छोटा ई हमें लिखना है। तो इस बात को भी प्रत्येक लिखते समय हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है तो ये जो चीज़ थी ये आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से क्योंकि कुछ तत्व ये मेन चीज़ है क्योंकि कई बार क्या होता है इसी में हम चूक जाते हैं। देखिए नाम जो सामान्य नाम है उन्हीं के अनुसार जाना जाता है। ठीक है नाम भी जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है सोडियम क्लोराइड आपने नाम सुना होगा वो होता है NaCl। ठीक है तो नाम तो जो रखा गया है वो तो सामान्य नाम के अनुसार ही रखा गया है लेकिन जो प्रतीक रखा गया है प्रतीकों का निर्धारण किया गया है वो लैटिन नाम के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार से पोटेशियम का जो लैटिन नाम है कैलियम उसके अनुसार इसके प्रतीक का निर्धारण किया गया है। आयरन का जो लैटिन नाम है फेरम उसके अनुसार निर्धारण किया गया है। इसके अलावा कॉपर, ठीक है कॉपर का जो लैटिन नाम होता है क्यूप्रम उसके अनुसार कॉपर का प्रतीक रखा जाता है सी यू। ठीक है सी बड़ा आएगा और यू छोटा आएगा। ठीक है तो इस प्रकार से कुछ तत्वों के लैटिन नाम के अनुसार उनके प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है। और ऐसे तत्व जो कि आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में है, देखिए आवर्त सारणी क्या होती है तो आवर्त सारणी एक मान लीजिए किसी सारणी है जिसमें सभी तत्वों को जितने भी तत्व आज तक खोजे जा चुके हैं लगभग 118 उनको एक साथ में रखा जाता है जिनमें से लगभग 94-94 तो तत्व जो है वो धातु हैं और लगभग 17 जो है अधातु हैं और लगभग 7 ऐसे हैं जो कि धातु और अधातु दोनों का उनमें मिश्रण है उन्हें हम कहते हैं उपधातु। ठीक है तो कुछ तत्व जो है उनके नाम अभी तक नहीं रखा गया है, 113 के बाद में कुछ तत्व ऐसे आ रहे हैं लगातार 113, 115, 116, 117, 118 उनके अभी तक नाम का निर्धारण नहीं किया गया है तो उनकी जो संख्या है जैसे कि 113, ठीक है तो उसके अनुसार ही जो उनका
नाम जो है वो रख लिया जाता है, ठीक है, तो नाम रखता है इनका, जो नाम रखा जाता है वो है, मैं कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, सॉरी, मैं अन अन, ठीक है, तो अन अन, और उसके बाद तीन को ट्राइम, टी आर आई यू एम, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 नंबर का, यदि हम 114 नंबर का रखते हैं तो अन अन क्वाड्रियम, ठीक है, अन अन क्वाड्रियम 114 नंबर का। तो ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी, ठीक है। तो हम तो शुरू के जो तत्व हैं उन्हीं पर ध्यान दें, शुरू की जो तीन बातें हैं, पहली वाली कि कुछ का निर्धारण तो नाम की शुरुआत के अक्षर से कर लेते हैं, कुछ का निर्धारण नाम की शुरुआत के अक्षर और उसके जस्ट बाद वाले अक्षर से या किसी भी अक्षर से कर लिया जाता है, और तीसरा कि कुछ का निर्धारण जो है वो उनके लैटिन नाम के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रतीकों का निर्धारण किया जाता है।